सबको नमस्कार। मुझे मराठी नहीं आती, राष्ट्रभाषा में बोलने की कोशिश करूंगा। आप सब लोग वो अच्छा भी लगेगा, एक डेढ़ घंटे से नॉनस्टॉप मराठी चल रही थी, थोड़ा चेंज आएगा और चेंज ऑफ वर्क इज बेस्ट बोलते हैं, आप थोड़े रिलैक्स हो जाओ। वो मेरे लिए बहुत मुश्किल होती थी मराठी, ये मराठी मुझे आती नहीं इसलिए समझना बहुत मुश्किल था। और सही में आप तो क्षिप्रा हैं, बहुत क्षिप्र, बहुत फास्ट और शास्त्र का तो इतना दोहन, इतना विचार करने के बाद अगर पंचकर्म करना हो तो मैं तो करूँ ही ना। मेरी तो इतनी चलती नहीं, इतनी सारी। उन्होंने एक बहुत अच्छा रेफरेंस बताया था लेकिन उसका बात का रेफरेंस नहीं बोली, वो कहता भी नहीं। दोष धातु आहार अवस्थांतराणि, दोष धातु मल कहते हैं, लंबा लंबा, और उसके अवस्थांतराणि इतने ज्यादा होते हैं तो उन्होंने वो अवस्थांतराणि को शोधन में देखना चाहिए ऐसा करके लिया। लेकिन उसके बाद का रेफरेंस है कि इतना सारे अवस्थांतराणि होते हैं कि विमल विपुल विभुक्ति बिल्कुल छोटा और क्या समझो ऐसे ही चालू किस्म का आदमी कैसे ही सोचेगा। इसलिए मैं कहता हूं अगर इतनी सारी सोच के पंचकर्म करना हो तो मैं तो करूं ही ना। मेरे पास पेशेंट आता है, मुझे लगता है इसको ओपन कराना है, ओपी में बाद में बिठाता हूं, तीन चार ग्लास गर्म पानी पिला देता हूं, बाद में एक ग्लास नमक दो तीन चम्मच डाल के पिला देता हूँ और सोम चूर्ण आता है मेरी भूमि में वो एक चम्मच भरवा देता हूँ और उसके सामने गेंद रखता हूँ, मैं मेरा पेशेंट देखता हूँ। 12 बजे तक मेरे पेशेंट खत्म होते हैं, तब तक उसके 2, 4, 5, 6 वेग हो जाते हैं, उसकी प्राणवश होता है जिसको हम बहुत बोलते हैं, साफ हो जाते हैं, पेशेंट घर जाता है, मैं घर जाता हूँ। मेरे से इतने सारी दोष गतियां नहीं देखी जाती। आचार्य लोग दशमी परीक्षा करते होंगे, बाकी आचार्यों की उतनी ताकत नहीं रही होगी क्योंकि मैं जानता हूं मेरी कितनी बुरी हालत है। मैं अगर ये दोषम दोषम बलम सब देखने जाऊं ना तो शाम तक मैं 5-10 पेशेंट भी मारूं और बड़ी मुश्किल से देख पाता, और मुझे तो 7-7, 17-17 पेशेंट को निपटाना होता है। तो उसी कारण शायद पर्वती आचार्यों ने अष्टविध का निर्माण किया होगा। मेरे लिए तो अष्टविध काफी, बहुत छोटा आदमी अष्टविध से काम चला लेता हूं, नाड़ी मूत्र मन जीवा शब्द स्पर्श दर भाग, इतने से मेरा काम चल जाता है। लेकिन आचार्यों ने त्रिविध शिष्य बुद्धि अनुग्रहाय, मीन्स तीन प्रकार के शिष्य होते हैं जो बहुत विचार करते हैं, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं, उनका भी काम चलता है, वो भी दोष गति आशय अपकर्ष ये सब सोच के करो तो भी लाभ होता है, उन्होंने बताया। दूसरे ऐसे होते हैं कि मध्यम बुद्धि वाले, वो जो लिखा है वो करके देख के कर लेते हैं, और तीसरे अल्प बुद्धि वाले जो जिसमें मैं कर रहा हूं, बिल्कुल अल्प बुद्धि का, जितना मोटा हूं उतनी बुद्धि मोटी है, ज्यादा दिमाग नहीं चलता। पेशेंट आया उस वक्त जो
वो क्या बोलते हैं, प्रत्युत्पन्नमति, उसी वक्त जो सूचक वो कर दिया। तो तीनों की दुकान चलती, ये सबसे बड़ी आयुर्वेद की विशेषता। मैडम को सुंदर हाथ था उसी वक्त, मेरे तो पसीने छूट गया, इतना सारा तो मैंने कभी किसी पेशेंट ने देखा ही नहीं, लेकिन मैडम की भी चलती मेरी भी चलती। तो मजेदार, इससे इसे हमको समझना क्या है, मजेदार चीज आयुर्वेद और दूसरी चीज क्या है, मजेदार चीज ये है कि दुकान का चलना वो ज्यादा सोच लो ज्यादा ना सोच उस पर निर्भर नहीं, कुछ और चीज है, क्योंकि मेरी भी चलती मैडम की भी चलती, मीन्स चलने को कुछ और चीज से सफर। और वो चीज मैं खोज रहा था जब मैडम बोल रही थी और मेरे पसीने छूट रहे थे, उस वक्त मैं सोचू कि मैं क्या बताऊं, मैं खुद उलझन में पड़ गया, इतना मैं नहीं सोचता फिर भी मेरी भी दुकान चलती, मैडम इतना सोचती है, उल्ट का साहब भी इतना सोचते थे, उनका भी काम चलता, काम चलने को किसी और चीज से संबंध है। और मैं बताऊं आप सब लोगों को, मेरा आधा टेंशन कारगिल साहब ने, पहले नहीं सोचूं कि आदमी आंखें बंद करके जपकी लगा रहे हैं, बाद में देखा उनके हाथ में माला है, वो मंत्र कर रहे हैं। और मैं बताऊं मेरी क्यों चलती है, बिना सोचे समझे भी काम करता हूं, इसके कारण मंत्र और सत्व दो चीज हमें किसी भी मेरे जैसे बिल्कुल नासमझ और गंवार आदमी की भी प्रैक्टिस चला ले, सद्गुरु की कृपा और मंत्र, ये दो चीजें आप में से तो कई तीक्ष्ण बुद्धि होंगे, लेकिन जो अपने को जरा अंदर क्या बोलते हैं गिरेबा में झांक के देख लेना अपन कैसे हैं, तीक्ष्ण बुद्धि है तो जरूर क्षिप्रा मैडम की तरह बहुत सोच 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 के काम करिए तो भी आपको संतुष्टि मिलेगी। अगर आप समझते हैं कि नहीं यार अपना तो इतना लंबा नहीं चलने वाला, तो मैं दूसरा रास्ता बताता हूं, वो मेरे वाला है। तीन चीजें हैं, बलकार भावा बलवत कुले जन्म सिद्धानाम सन्निधि मंत्रेण वा पुनः, आपको बलवत कुल में जन्म होना चाहिए, वो जरूरी नहीं सबका बलवत कुल में जन्म हो। फिर सिद्धानाम सन्निधि सद्गुरुओं का सानिध्य, वो भी सभी को नहीं मिलता। तीसरा जो है मंत्रेण वा पुनः, मंत्र से सब लोग अपनी ताकत को बढ़ा सकते, और उसके कारण मैं बहुत निकम्मी बुद्धि वाला फिर भी मेरी आज तक चल गई। और वो बोल रहे थे ना साहब 27,000, हाँ जब कल दोपहर को निकला था तब 27,519 पेशेंट देख के निकला, इतनी सारी कैसे हुआ, सद्गुरु की सन्नति से, सद्गुरु की कृपा से। शायद मराठी से आती नहीं, कि मेरे इंट्रोडक्शन के सामने ऐसा बोला कि पहले 10 साल हृदरोग की किया फिर विचार बदले, नहीं भाई हृदरोग की भी की थी, वो विचार से नहीं की थी, गुरु की आज्ञा थी, सद्गुरु ने बोला था कि हृदरोग की चिकित्सा करो तो मैंने की, फिर सद्गुरु ने बोला नहीं अब बस हृदरोग बहुत हो गया अब कैंसर में काम करो तो फिर कैंसर, फिर सद्गुरु ने बोला बस कैंसर में भी बहुत हो गया तो पढ़ाओ तो पढ़ाना शुरू किया। अनाग्रहस्तु शिष्ये प्रथम लक्षण, आपको शिष्य हो जाना चाहिए, अनाग्रह नहीं रखना है, गुरु ने जो कहा सो किया, और जो गुरु को पकड़ के आगे बढ़ता है और मंत्र करता है उसकी चल पड़ती। ये मेरी ओर से आपको 100% गारंटी वाला फॉर्मूला है, सद्गुरु की सन्निधि और मन, ये दो करो आपको कभी कोई चिंता नहीं होगी। भगवान भी बोलते हैं तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि, जो मेरे से जुड़ा रहता है
उसका योग क्षेम, उसका खाना पाना, खाना पीना, दाना पानी, उसका पानी सब मैं संभालता, मेरा तो संभाला सदगुरु ने और मंत्र ने। तो मैं गार्गी साहब का बहुत बता पाई हूँ, उन्होंने मेरा आधा टेंशन दूर कर दिया। वरना सच बताऊं शिप्रा मैडम, मैं बहुत डरा हुआ था, इतनी सारी बातें याद करना। अब जब सतगुरु में पहले शुरू में ध्रुव में प्रैक्टिस की, और उस वक्त मेरे साथ मेरे ही क्लिनिक के फ्लोर पर एक ICCU हॉस्पिटल था, कमर्शियल नर्सिंग होम था, वो गुजरात का सबसे पहला था, उसमें मैंने 10 साल तक प्रैक्टिस की। उसके बाद में फिर वो बिल्डर ने वो कमर्शियल नर्सिंग होम बेच दिया। लोगों ने बोला कि तेरी इतनी अच्छी हृदयों की प्रैक्टिस है, तू अपना ICCU खोल। मैं बोला बाप रे, इतने पैसे कहाँ लाऊं और इतने पैसे ICCU में क्यों डालूं, हाईवे में ना डालूं, जिसको मैंने प्यार किया है, मोहब्बत की है, आज भी कर रहा हूं। तो फिर उसी वक्त देखो सदगुरु फिर काम आते, आपके सदगुरु ने बोला चलो कैंसर का काम करो, उनसे जुड़ गए। उन्होंने उस वक्त मेरे सदगुरु ने 1978 से कैंसर में काम शुरू किया था, मैं उनसे जुड़ा 1989 में, तब तक उन्होंने 9000 पेशेंट देख चुके थे लेकिन रिकॉर्ड नहीं रखते थे। मैं ठहरा MD वैज्ञान का। तो फिर मैंने सदगुरु को बोला कि भाई ऐसे नहीं चलता, उसका तो डेटा बनाना पड़ता है, उसके फॉर्म भरने पड़ते हैं। वो मुन्ना भाई नहीं बोलता था यार उसका फॉर्म मत भरना, उसको ट्रीटमेंट कर बोलता था, सही बोलता था वो मुन्ना, सही था। जैसे मुन्ना भाई MBBS बच्चू भाई भी है, अपन फिल्म बनाएंगे कभी तो उसका नाम बच्चू भाई भी है। तो ऐसा फॉर्म भरवाना मैंने सदगुरु को शुरू करवाया, ये मेरी मूर्खता थी। लेकिन उसके कारण आज ये आंकड़े सब बोलते 27,000, सही में क्या बोलते मानने में ना आए, झूठ बोल रहा है ऐसा लगे, उतना बड़ा डेटा है। लेकिन है, आप सब आइए और आप सबका निमंत्रण करता हूँ, अहमदाबाद जब भी आए तो मेरे सेंटर में सदगुरु के पास हम लोग काम करते हैं, वो देखें सही में इतना बड़ा डेटा शायद ही किसी का होगा जब तक मैं जानता हूँ, और किसी का इतना बड़ा, और सब उसका वो रिसर्च एनालिसिस भी मैंने करवाया, सदगुरु को परेशान कर करा। वो आज बड़ा दुख होता है कि मैंने उनको बहुत परेशान किया। खैर, तो ये दो चीज बतानी थी आपको, एक मंत्र और सदगुरु, इसके कारण आज मैं यहाँ हूँ। मुझे इतने दूर से बुलाया गया है, सुहावना तो मुझे होना ही है, दूर का हूं और डोर हूं, दूर के डोर सुहावना, तो मेरे को सुहावना तो होना ही होना है। ठीक है चलो, अभी कैंसर के बारे में बात करते हैं। ऐसा है, कैंसर में जब प्रैक्टिस शुरू करते हैं ना, 5-10 पेशेंट अगर आपके पास आ गए तो आपको लगता है चलो यार कैंसर में काम करते हैं। आते हैं हमने पास पेशेंट कैंसर, सदगुरु की कृपा से कहीं 50-100 हो गए तो फिर आपको लगता है हारे यार, तो नहीं तो यही फील है। सदगुरु की कृपा से अगर 500,000 हो गए फिर तो आपको लगता है कि हाँ अपनी तो निकल पड़ी बस, और अगर 5,000 हो गए तब तो लगता है बस यही लाइन ट्रीटमेंट कैंसर की है, इसी से ही ठीक होता है। कहीं 10,000 हो गए फिर तो बस अगला नोबेल मेरा ही है, और 10 के 15 होते हैं ना तब लगता है नहीं यार कुछ और भी है जिससे ये हो, ये लाइन पर से काम नहीं होता, कुछ और होना चाहिए। और जब 20,000 हो जाते हैं ना फिर आप डरने लगते हो, नहीं यार इससे क्या होता है कुछ समझ में नहीं आता। और जब 25,000 हो जाते हैं ना तो आप चुप हो जाते हैं। मैं आप क्यों लिखते हो गए 25,000
कंटामिनेशन देखते हो तो बिल्कुल पूछता है कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है। बहुत सादा और सात्विक जीवन जीने से कैंसर नहीं होता है। आप तंबाकू से होने वाले कैंसर का डेटा मांगो, 4000 पेशेंट दूंगा। जिंदगी में कभी तंबाकू नहीं खाई ऐसा पेशेंट बोलो, 3000 पेशेंट दूंगा। बताओ क्या बड़ा विचित्र है। सीए ब्रेस्ट की तो क्या बात करूं, 25 साल का डेटा है हमारे पास। जिन्होंने सीए ब्रेस्ट का निदान करा, कोई ट्रीटमेंट नहीं की, वो भी जी रहे। सीए ब्रेस्ट का निदान हुआ, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, वो भी जी रहे। सीए ब्रेस्ट का निदान हुआ, एलोपैथिक की केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी ली और सर्जरी करवाई, वो भी जी रहे। ये 5, 15, 50, 100, 200, 500, 5000 पेशेंट तक है ना, हम कुछ गेस कर सकते हैं, कुछ आपको इन्फॉर्म कर सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि ये होता होगा और ऐसे ऐसे होता होगा। जब इतना बड़ा डेटा हो जाता है ना, आप यहाँ से जा रहे हो और दो आदमी किसी ने फोन कर देना, तो आपको लगता है ओह माय गॉड कितना बुरा हो गया, आपको नींद नहीं आती, दो दिन खाना नहीं हजम होता, खा नहीं पाते। लेकिन कोई बोले कि जापान में भीषण सुनामी में 3 लाख लोग मर गए, आपको कुछ नहीं मिलता, पन्ना उलटती तो सारा पन्ना पड़ता। क्यों? 3 लाख मर जाए उसका जो शोक है, उसका जो दुख है, वो सहन करने की अपनी शायद ताकत ही नहीं। अब हम दो पेशेंट, दो आदमी मर जाए तो उसका दुख सहन कर सकते, 3 लाख पन्ना उलटती दूसरा पेज पड़ता। मेरी हालत ये हो, सुनामी जैसा हो गया, 27,000 कोई छोड़ा ना। आप लोग तो 27,000 पर गए भी नहीं होंगे अभी, जिस उम्र में हैं आप। तो इतने सारे पेशेंट चुप कर देते, फिर भी बताना है, जो भी बता रहा हूं वो कितना सही है कितना झूठ है मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। हाँ तो समझने वाले समझ गए। अभी मैं आपको, चूंकि आपको अभी जिंदगी पूरी निकालनी है और कैंसर की प्रैक्टिस करनी हो, तो मैं तो ये स्कोप, इसलिए मैंने ये कैंसर और आयुर्वेद बोला था कि मैंने ऐसा बताया, स्कोप ऑफ आयुर्वेद मैनेजमेंट ऑफ कैंसर की ट्रीटमेंट हर एक वैद्य को करनी ही चाहिए। ये एकमात्र लोग ऐसा है जिसके बारे में यहाँ कोई वैद्य के सिवा नहीं ना, को पता होता है कि मैं ठीक नहीं होने वाला। हमारे यहाँ गुजरात में तो कैंसर बोलते हैं, तो कैंसर वो खुद ही तय कर देते हैं। इसमें अगर आपने किसी को बचा दिया, फायदा कर लिया, तो आपकी तो जान ही पड़ जाएगी। और अगर आप नहीं बचा पाए, आप में बहुत मेहनत की, लेकिन आप जानते हैं ना ये तो क्या है, अपने को कोई मॉडरेशन नहीं। और अपने जो दोस्त हैं अंग्रेज दोस्त, वो इतने ज्यादा पैसा लेते हैं, इतने ज्यादा पैसा लेते हैं कि उनसे 10वें भाग की कीमत हम वसूले ने अपनी सीटों पर बढ़ा दी, तो भी अपनी तो चांदी चांदी है। इसलिए मैं आप सबको बोलता हूँ कि आप और चिकित्सा करें ना करें, क्योंकि हम सभी को समृद्ध होना है। आप लोगों की बात अलग है, आप लोग शादी करके कहीं जाएं, आप लोगों को कह रहा हूं शाम को 2 गुलाबी
वाली पत्ती हाथ में नहीं आई तो भूषण नहीं देगी गल, इसलिए मैं कम से कम आपको और कोई भी तकलीफ हो जाए, ये है ना नंबर है मेरा, फोन करके बोल दीजिएगा क्या करना है, तड़िले से बता दूंगा, चिंता मत कर। अगर फायदा हो गया तो फिर दूसरे दिन करके चारों ओर बोलने का मैंने पूछ दी, नहीं हुआ तो कैसे ठीक हो गया। इसलिए इससे अच्छा मौका ही कोई नहीं है ट्रीटमेंट का, अम्लपित्त है या वो चिरण ज्वर है, उसमें तो ये साहब की भी की, उसकी भी की, अंग्रेजी भी की, होम्योपैथी भी की, बाद में आपके पास आए आपका रिस्क बहुत बढ़ जाता है, इतने बड़े बड़े वैद्यों ने ट्रीटमेंट की, इतने बड़े अंग्रेजी डॉक्टरों की, अब अपन क्या करेंगे और ठीक नहीं हुआ तो कुछ। वैसे वैद्यों के लिए बहुत अच्छा है सर, बताऊँ हमारे यहाँ तो पेशेंट बोलता है अंग्रेजी डॉक्टर को, साहब 36 घंटे में फिर बच्चे का ताव बुखार कम नहीं हो रहा है, किसी बड़े डॉक्टर को बुलाए, जबकि वैद्यराज बोलता है 21 दिन तक ताव ना उतरे तो मुझे फरियाद नहीं करने का, तो ही ट्रीटमेंट करता हूं। और बिल्कुल करते साहब ने बोला है 21 दिन तो रहेगा, कितनी मजेदार अपने हमको प्रिविलेज है, आराम से ट्रीटमेंट करो। पेशेंट खुद कहता है इसमें तो देर लगती है हमसे भी ज्यादा एक खास बताऊ, पेट साफ आता है, नींद आती और सेंस ऑफ वेलबींग, लादन बोलते हैं अलादन, सेंस ऑफ वेलबींग, ये चार तो होता ही होता है। पैथोलॉजी वहीं की वहीं रहती लेकिन कम रहती, जरा भी विघटन नहीं होता, लेकिन पेशेंट को ये चार चीज हो जाती है, भूख लगती, नींद आती, सुबह खाना साफ आता है, और चौथा सेंस ऑफ वेलबींग हो जाती है। और एक एवरेज इंडियन को अगर ये चार चीज दे दो वो आपका हो गया। और किसी को बताना ये अंग्रेज लोग देते हैं सबसे पहले पूछे, पता नहीं बीएमएस बॉवल एपिटेट मिचुरेशन स्लीप भगवान ने बोला प्रसन्न चेतसो ही आशु बुद्धि प्रवत, आपको प्रसन्न हो जाओ तो तुरंत बुद्धि प्रवृत्त होता है, इसलिए अभी घुसा नहीं कैंसर प्रसन्न हो जाओ। और मैं भी प्रसन्न हूँ, प्रसन्न रहता हूँ, कोई मेरी मजाक करे उसके पहले में मेरी कर देता हूँ, मैं भी खुश, मेरा सुनने वाला भी खुश, सब लोग रिलैक्स, फिर बाद में अब बात करते हैं। चलो तब अब ये सिचुएशन ऐसी है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाग में गार्डन में जाओ और बैठो और बीच में एक लोहे का खंभा हो तो कैसा लगे, क्यों चुप हो गए, ये बुजुर्ग बैठे हैं इसलिए क्या, डरो मत, सही बात है, होता है ना, हाँ बोलना। तो मुझे हमेशा ये मेरे और मेरे सुनने वाले के
बीच एक लोहे का खंभा लगा। जब मैं सीधे आप सबसे इतनी अच्छी तरह बात कर रहा हूँ, अब मैं जैसे ही शुरू करूंगा आप सबकी नजर उधर उठे और मैं कोई किराए का टट्टू जो लिखा है वो पड़पड़ा के आपके साथ आ, ये कुछ मुझे अच्छा नहीं लग, लेकिन दुनिया इसको ही अच्छा कहे तो मैं क्या कहूँ, फिर मैं भी आया। ये आपको कोई हर्ज ना हो तो ये लाइट्स कम कर दे तो ये ज्यादा अच्छा दिखेगा, जब सिनेमा ही करना है तो फिर अच्छी तरह से। हाँ, दिव्यज्योत आयुर्वेद रिसर्च फाउंडेशन करके हमारे एक एनजीओ है जिसमें मेरे सदगुरु और मैं काम करते हैं, और ये एनजीओ एनजीओ समझते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सरकारी कोई दखल अंदाजी नहीं, अपने आप जैसे प्रतिष्ठान है उसी तरह से। तो उस तरह से हम कैंसर के पेशेंट्स को लेस पेनफुल, इकोनॉमिकली एफोर्डेबल और भूल जाता, तीन चीजें हमने ऑफर की, लेस पेनफुल, चीप और साइड इफेक्ट्स बगैर सेफ, तीन चीजें हम पेशेंट्स को अफोर्ड देते हैं और उसके कारण हमारे पेशेंट की बहुत अच्छी तादाद बन गए। देखिए, यस, टुडे फ्रॉम माय साइड आई इंटेंड टू रिवील एंड इंटरैक्ट सम फैक्ट्स अबाउट कैंसर एंड इट्स क्योर फ्रॉम आयुर्वेद बीइंग एग्जीक्यूटेड एट माय इंस्टीट्यूट कॉल्ड दिव्यज्योत आयुर्वेद रिसर्च फाउंडेशन, an independent NGO engaged in the quest of an Ayurvedic cure for cancer since 78. कैसे बदलू? अच्छा लगा? ठीक है यार, सीधी सीधी बात करते हैं, प्रभु जानता की तरह। सॉरी, जरा आश्वासन कर, बड़ा आश्वासन मिलता है। आपको पता नहीं कितनी बुरा हाल है, ये तो आगे है ना, ये वरना दाढ़ियां खेल रहे पैसे। ऑक्सीजन मैनेजमेंट ऑफ कैंसर, पुणे आना होता है तो कुछ शास्त्र का लेके आना पड़ता, शास्त्र की बड़ी बोलबाला, इसलिए कुछ कॉज कैसे पैदा होता है, क्या होगा, होता होगा कैंसर में, वो सब सोच साच के लेके आया हूँ, ज्यादा पूछ पाछ मत करना, मुझे नहीं पता वो होता है कि नहीं, लेकिन शास्त्र को बताना इसलिए आ गया हूँ। ऑन्कोफ्यूजन ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट, वो मैं आगे बता रहा हूँ। जब मैंने ऑन्को फ्यूजन लिखा तो हमारे एक वैद्य जी ने पढ़ा ऑन्को कंफ्यूजन, तो इनको क्या बताएं, ऑन्को फ्यूजन, फ्यूजन समझते हैं ना, आप लोगों में आपस में होता रहता है वो। देखिए, अब इस ये मैंने बड़ी मुश्किल से बनाया है, सच्चा बच्चा बजा बदल, कैसे होता है कैंसर, अधर्म, स्पिरिचुअल पॉल्यूशन, इसके तीन भाग है, अधर्म है, द्रव्य संचय है या तो संग्रह है, और फिर भ्रष्टाचार है, तीन से वो चरक बोलते हैं जनपद नहीं अधर्मात्र किंचित अशुभम, ऐसा कुछ है, आप देखिए ना जनपद, फिर प्रज्ञापराध, सामाजिक प्रज्ञापराध है, इंडिविजुअल पकड़ा पड़ा तो अलग, वो इस और वो इंटेलेक्चुअल जो इतना ही तब दुख में वो जो सोशल है ना, सामाजिक प्रज्ञा पड़ा, तो हम समाज का भी प्रज्ञा पड़ा देते हैं। उसका एक उदाहरण मैं देता हूँ, हमको जो अनामत रिजर्वेशन का सामना करना पड़ रहा है हर एक जगह पर, उसका रीजन हम नहीं, हमारा कोई दोष नहीं, लेकिन जिनको अनामत के फायदे मिल रहे हैं उनके परदादाओं को हमारे परदादाओं ने इतना
इतना परेशान किया, इतना शोषण किया, उतना उनको बदली किया कि जब आप उनका वारा उनकी बारी आई तो हमको ये रिजर्वेशन के तौर पे उसको सहन करना, ये सब ये वो एफडी थी हमारे परदादाओं ने उनके परदादाओं को परेशान करके एक गंदी गलत एफडी उस जमाने में बनाई 200-300 साल पहले, जो आज पक गई और अनामत होगी हमको परेशान कर। ये सामाजिक प्रज्ञापन था, उसका उदाहरण दे रहा हूं। हमारा कोई दोष नहीं, हमारी पीढ़ी का भी दोष नहीं, हमारे दादाओं का। गुजराती में एक पारसी नाटक है, वड़ी लोना मांगे, गुजराती समझ थोड़ी समझ लो तो कोई फर्क नहीं। तो ये सामाजिक प्रज्ञापन होता है उसके कारण, और जनपदों दोष, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जिसमें चरण बोलते हैं, देश काल जल और वायु, चार चीजें हैं। अब तक पॉल्यूशन 1907 में सबसे पहले पॉल्यूशन शब्द आया, उसके बाद में ये पर्यावरण की बड़ी बड़ी दो पे चिल्ला रहे हैं, इधर वो 2500 साल पहले बता गए, और अभी तक ये आज के वैज्ञानिक ये देश जल और हवा तीन का ही प्रदूषण जान पाए, भूमि जल और हवा। अभी काल का पोल्यूशन तो दिमाग में नहीं आया लोगों, अभी आएगा, अपन बूढ़े हो जाएंगे तब वो टाइम का पोल्यूशन की बात करें। ये आदमी 2500 साल पहले बोल गए। तो इस तरह से ये फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर्स, ये एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, ये इंट्रिंसिक पर भी शब्द हैं, बातें ही नबी समझो तो चलेगा। उसमें क्या होता है, धातु प्रदूषण करते हैं, ये धातु का दोष का रोल कमी होता है, धातु प्रदूषण धातु का रोल है, उसमें लीन त्रिदोष होते हैं, दूषी विष होता है, आम धातु मानदेय होता है, और बीज भाव जन्य दृष्टि होती है, बीज भाग बीज भाग यसे ही अंग से हो उत्तप्त हो भवती तसे तसे ही ऐसा कुछ आता है, त्रोण को पीड़ित हो वो होगा देखना, और मनोदृष्टि उसको भी होना है, साइकोसोमेटिक तो उसमें विषाद डिप्रेशन और ध्रुतिभोष ये दो कामें होते हैं, और ये सब मिला के 16 फैक्टर्स होते हैं। ये मेरी ओर से जुड़े कैंसर कैसे पैदा होते हैं उसकी 136 थियोरियां हैं। इसका मतलब क्या, 136 भी हो सके, आपने 33 करोड़ दिया था नहीं, 33 करोड़ देता है, इसका मतलब क्या, या तो कुछ किसी को भी देता मान लो 33 करोड़ है, 33 करोड़ है क्या फर्क पड़ता है, और एक को भी ना मान लो तो इतने सारे हैं, इसको संभाला वो भी बढ़ जाएगा, उसको संभाला तीसरा भी बढ़ जाएगा अपना, तो इस तरह से इतनी सारी थियरी, तो एक मैंने भी जोड़ दी 137 भी चलो उड़ाओ। तो ये सब फैक्टर्स क्या करते हैं, नेक्स्ट all these 16 factors interact between themselves and torture the basic unit of the body, basic unit of the body, their Brahman, for a very very long time. बीज काले प्ररोहण क्या है, अधिशेते यथा भूमि बीज काले, तो अधिशेते भूमि पड़े रहते पड़े रहते पड़े रहते, पर धातुओं का प्रदूषण दोषों का प्रकोप फटाफट हो जाता है, इधर से बाहर गए बाजी पांव खाए, घर जाके पंखे के नीचे सो गए, पसीने से तरबलते कपड़े भी नीचे के नहाए नहीं कि कल सुबह शादी हो जाए, दोष प्रकोप फटाफट हो जाता है, धातु प्रदूषण बढ़ता नहीं मिलता, वो तो टाइम लेने वाला फैक्टर है, धातुएं तो बड़ी मजबूत होती है, शरीर के धारण करके स्ट्रक्चरल यूनिट्स होती है, उसको दूषित होने में टाइम लगता है, और
ये अंग्रेज विज्ञानी खोज के लिखते हैं कि जब एक सेल नॉर्मल से कैंसर में परिवर्तित होता है वो परिवर्तन होने में 6 साल लेता है। कितने? 6 साल लेता है। मैं नहीं बोलता, नहीं वो अंग्रेज डॉक्टर को। अब जिसको होने में 6 साल लगे हो उसके लिए वो बोलते हैं जल्दी निदान करो तो ठीक हो। कैसे होगा, जब भी निदान करते हो 6 साल पुराना होता है, ठीक तभी नहीं होता है, वरना तो हम वैद्य हैं, ठीक करते थे कैसे करते? 6 साल धातु प्रदूषण करते, पर उस धातु के जो देह परमाणु है उसको खराब कर देते हैं और उसका क्या करते हैं, संपत्ति क्या बनती है उसके, जो बीज भाग अवयव है उसका, अब हर एक सेल का बीज भाग अवयव उसके साथ में होता है, जिसमें उसको कैसे काम कर रहे हैं, चिप बोलते हैं ना आपकी मोबाइल की, वो क्या होती है पीछे डालते हैं, चिप ही बोलते हैं, सिम कार्ड, कितना छोटा होता है लेकिन सिम कार्ड में कितनी सारी चीजें रहती हैं। उस तरह से हर एक सेल के ऊपर एक इसका सिम कार्ड होता है, उसको कितना ड्यूरेबल, कहाँ तक चलना है, कैसे चलना है, क्या काम करना है, किस चीज को लेना है, किस चीज को यूटिलाइज करना है, किस चीज को बाहर फेंक देना है और ऐसा कब तक करते रहना है, फिर उसको मर जाना है और ये सब करते करते 2-4 और को पैदा कर देना है, ये सब लिखा हुआ होता है। और ये दोषी विष और वो सब 16 फैक्टर मिलके वो चीप को खराब करते हैं, सिम कार्ड को खराब करते हैं, समझ में आया? मोबाइल का सिम कार्ड खराब होता है क्या होता है, ऑपरेशन गड़बड़ा जाते हैं ना, नंबर नहीं लगते, गलत लग जाते हैं, गलत हो जाता है, बैटरी फूल जाती है, आप सब देखते हैं बैटरी चलती ही नहीं, फिर क्यों करके घुमाते हैं, फूलती है, उससे तो लिंगम हो जाता है, मोबाइल को कैंसर होता है। तो इसी तरह से हर एक धातु के जो देह परमाणु उसका कितनी बार रहना है, ये काम करना है, अपने जैसे दूसरे 4-5 पैदा करना है और फिर मर जाना है, ये सब तय किया हुआ चिप में सब फिक्स होता है, हमारी लाइफ में भी सब फिक्स होता है। इतने सारे लोगों को एक बुधवार के 1.5 घंटे तक दिमाग चाट जाएगा, ये बहुत सालों पहले, बहुत सदियों पहले तय हुआ। आप सब लोगों के मम्मी पापा के शुक्रशोड़ी का संयोग हुआ उसी वक्त ये तय हो गया, हम बिल्कुल कठपुतली है, मान लो सच्ची मान लो, हम कुछ नहीं कर सकते, जो लिखा है जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले किलो हंसते हंसते रोड, ठीक है। तो इस तरह से हर एक सेल का ये लिखा हुआ होता है और ये 16 फैक्टर्स को कर्म कर देते हैं, उसको इरेज कर देते हैं। तो सेल को काम करना तो समझ में आता है, दूसरा पैदा करना भी समझ में आता है, लेकिन अब तुमको मारना है, अब तुमको पैदा बंद करना है, तुम बूढ़े हो गए ये पता नहीं चलता। ध्रुति ध्रुति भी नियमात्मिका, वो नियमन करती है, वो ध्रुति भ्रंश करती है। तो सेल या तो देह परमाणु को पता नहीं चलता कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, हम बूढ़े होते तो क्या होता है, खाना पीना कम हो जाता है, घूमना फिरना कम हो जाता है, ओढ़ना बैठना उठना बैठना कम हो जाता है, फिर कभी हम लड़कियों के सामने देखते नहीं, लड़के के सामने देखते नहीं, सीधी नीची मुंडी करके मंदिर जाके वापस आ जाते हैं। लेकिन ये सेल जिसको ये करप्ट हो गया कि तू बूढ़ा हो गया है उसको पता ही नहीं चलता, वैसे बड़ी अच्छी बात है, हम में हो जाए तो बड़ी मजा है, बूढ़े ही ना हो तो खाते ही जाता है और खाता है तो फिर उसका शुक्र बनता है, पैदा ही करते जाता है, वो बूढ़ा ही नहीं होता, मरता भी नहीं और नया पैदा ही करते जाता है, और जो नया पैदा होता है वो उनके जैसा ही होता है, वो भी खाता ही जाता है, पैदा करते जाता है, तो धीरे धीरे ये इतना बड़ा हो जाता है। अब वो
शरीर के किस काम नहीं आते, उसको जो काम करना है वो काम की फुर्सत ही नहीं होती, खाने और पैदा करने में से ही वो कितना व्यस्त हो जाता है और कुछ काम ही करता, और खाना तो चाहिए तो वो शरीर से खाता है, शरीर की किसी काम नहीं आता, और शरीर में उनके जैसे भूखड़ दूसरे पैदा करते ही जाता है, और ऐसे भूखड़ों का जमावड़ा हो जाता है, उसको कैंसर हुआ। वो नॉर्मल सेल से ढाई गुना ज्यादा खाते, नॉर्मल से एक रोटी खाए वो ढाई रोटी खाए। अब हम एक रोटी खा रहे हैं और हमको कैंसर हो जाए तो हम ढाई रोटी नहीं खा सकते, हम तो एक ही खाएंगे। अब एक में से ढाई गुना वो खा जाएगा तो नॉर्मल सेल के लिए क्या बचेगा, कुछ नहीं। तो ये कैंसर में यही होता है, एक देशीय वृद्धि अन्य देशीय, ऐसा कुछ आया था वो वाले। तो शरीर का क्षय होता रहता है और कैंसर की वृद्धि होती है। अब आप कैंसर का क्षय करने जाओ तो शरीर की भी क्षय हो जाए, और शरीर की वृद्धि करने जाओ तो कैंसर की वृद्धि हो। अब करें तो भी क्या करें, चलने एक रेफरेंस कहीं पर है, एक साथ बड़ी हुई धातुओं को कम करें और कम हुई धातुओं को बढ़ाए, ऐसी ट्रीटमेंट करना चाहिए धातुओं से। हमारे शारीर में कहीं पर है युगपत एवं न्यूनान धातु सिद्धांत ऐसा कुछ है, ऐसी कोई ट्रीटमेंट करनी चाहिए जिस जो एक साथ बड़ी हुई धातु को कम करे और कम हुई धातु को बढ़ाए। अब ऐसा क्या हो सकता, बहुत मुश्किल है, हो ही नहीं सकता। जो प्रोहण करेगा तो वो तो, अब हाँ दोषों का क्षपण करे और धातुओं का प्रोहण करे ऐसा हो सकता है, लेकिन ये तो धातु है और धातु का खुद का सेल है, दोष है तो उसको तो तुरंत बल से पता चल जाता है, बलम यलम निग्रह दोषाणाम बलगच्छत, तो दोष निग्रह के लिए तुरंत बल काम करना शुरू कर देता है, लेकिन ये तो धातु है उसको कभी बल जान भी नहीं पाती, या तो उसको सपोर्ट करती, इम्यूनिटी जिसको बोलते व्याधि क्षमता, वो कैंसर के सेल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती क्योंकि वो तो खुद का सेल है। एक मां अपने चार बेटों में से एक बेटा बिगड़ जाए, बिगड़े दिल शहजादे हो जाए, कुछ काम वाम न करे, हर रोज मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहे और हर साल एक कैलेंडर ऐड करता रहे, फिर भी माँ कभी नहीं बोलेगी कि ये निकम्मा है साला कुछ कमाता नहीं, वो हमेशा कहते हाँ वो बच्चू है ना बेचारे की बहुत बुरी हाल है, देखो ना कुछ कमाता नहीं पाता, वो काम नहीं कर पाता, इसलिए वो नहीं कभी बोलेगी। ये माँ उस तरह से, ये प्रकृति, ये नेचर या तो प्रगति रक्षणी व्याधि क्षमत्व है, वो माँ वो कभी कैंसर के सेल को हट नहीं करेगी क्योंकि उसका खुद का सेल है, ये मुश्किल। इसलिए ऐसे में कैसे ट्रीटमेंट किया जाए, तो कैंसर के सेल का जो जमावड़ा है भूखड़ों का जमावड़ा, उसके अगल बगल में जो दोष प्रकोप है उन्होंने उसके कारण जहां शोध हो गया है, उनके कारण जहां दबाव पड़ रहा है, शिराग्रंथि होके दूसरे सोतस पर दबाव पड़ रहा है, वो सभी को कम कर, उसके कारण पेशेंट को लाभ होगा। और अगर कैंसर पर ही खुद पड़ते हो तो वो कभी ठीक नहीं होता। जो मैं अभी बता रहा हूं, आपको बताने जा रहा हूं, वो यही ट्रीटमेंट है। कैंसर तो वहीं का वहीं रहता है, उसके अगल बगल का सब अपन साफ सुथरा कर देते तो पेशेंट ठीक हो जाता है, पेशेंट को फील होता है कि मैं ठीक हो रहा हूं। होता असाध्यानाम तो व्याधिनाम साधनम नोपदिश्यते, और असाध्य व्याधि की ट्रीटमेंट करके क्या होता रहता है, असविद्या यशो हानि उपक्रोशम असुलभम, फिर भी ये सद्गुरु की कृपा है कि मैं असाध्य की ट्रीटमेंट करता हूं और अर्थ भी कमाता हूं विद्या भी कमाता हूं। अभी तक तो उपक्रोश नहीं हुआ, आप सब लोग सुन रहे हैं, अभी जूते नहीं पड़े, टमाटर नहीं आए, उपक्रोश नहीं हुआ, इसका मतलब कि ये एक इसलिए ये अपवाद है कैंसर, और कोई भी असाध्य रोग को ट्रीट करो तो गालियां पड़ सकती कैंसर में नहीं, क्योंकि पेशेंट जानता है।
ये सबसे बड़ा फायदा है और उसका हमको फायदा लेना है, ठीक है। तो ये द्रुति भ्रंश को उत्पन्न करते हैं नेक्स्ट, और वो द्रुति भ्रंश के कारण अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ परमाणु पर्टिकुलर धातु टिश्यू और स्ट्रक्चर इज अफेक्टेड एंड टू शेप अप इन हीप फॉर्म, ये जो मैंने बताया वो हमने चीज, और उसको कैंसर बोलते हैं, अर्बुद का पता नहीं, इसलिए उसके आगे क्वेश्चन, क्योंकि अर्बुद के बारे में कुछ ज्यादा नहीं सोचा। नेक्स्ट नाउ मैं जो कि बाहर के फैक्टर्स है एक्सटिंक्शन फैक्टर्स, उसको ठीक करने के लिए आचार रसायन है, कोड ऑफ कंडक्ट, आचार रसायन जो हम शॉर्ट नोट में लिखते हैं, बाकी कहीं किसी काम का नहीं आता, तीन मार्क्स की शॉर्ट नोट अच्छी काम आती है, बाकी आचार रसायन कभी हमेशा सबको सिखाया जाता है, हम भी सबको बोलते हैं, लेकिन सलाह हमेशा ली जाती है, ली नहीं जाती, बिल्कुल ये अंदर की बात है। तो ये आचार रसायन से हम ये एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स को दूर कर सकते हैं, थियोरेटिकली स्लाइड में कम से कम दूर हो ही जाएंगे, हो गया आचार रसायन। तो एक्सट्रिंसिक फैक्टर तो हमने दूर कर दिया, अब इंट्रिंसिक को कैसे करेंगे उसके बारे में आज हमको तो आपको थोड़ी बातें करनी है कि हम वो इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं उसको दूर कैसे करें। मैं और मेरे सदगुरु माँ आनंदानंद श्री से सन्यासिनी एंड फिजिशियन ऑफ हेल्थ, थोड़ा आगे पीछे पैर करते रहना, कहीं खड़े न हो पाओ, क्योंकि काफी टाइम हो गया, 6 बज गए, 3:30 के आए हुए हैं, जो फिल्म कुर्सी में बैठे भी देखे जाते हैं, ये क्लासेस नहीं अटेंड किए जाते, तो हम जरा जल्दी करते हैं। हाँ तो फिर कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है क्या करते हैं, पहले ब्रूमहोर्न करते हैं, कैंसर के बारे में पेशेंट को पता नहीं, उनको सिर्फ बताया जाता है तुमको कैंसर है, तुम्हारे पास कम टाइम है, जो भी करना है, बेटी की शादी करना है कर दो, बीमा भरना है भर दो, या वो मिलकर का बंटवारा करना है कर दो, तो वो बेचारा इतना डर जाता है, अरे हाँ अभी तक मैं आराम से काम कर रहा था, गिड़ी गिड़ी पी रहा था, ये यहाँ क्या हो गया, और आपके पास कम टाइम है, बहुत डर जाता है, और हमारे अंग्रेज मित्र यही करते, पता नहीं क्यों डराने के पैसे देते हैं, आपके पास कम टाइम, अरे तुम कौन होते हो कहने वाले, मेरे देखे तुम वो कैंसर में बोलते हैं 3 महीना 6 हफ्ते या 4 हफ्ता बस 1 साल से ज्यादा नहीं, ऐसा कौन बोल सकता है, या तो भगवान या तो झूठा, और कौन नहीं बोल सकता, क्योंकि पैदा करना पैदा होना और मरना ये हमारे ज्यूरिस्डिक्शन की बात ही नहीं है, न वही क्यों प्रभु आयुषा मित्र, और उसका हमें फायदा होता है, अपन खुद की गलतियां नहीं देख सकते, दूसरे की गलती में से सीखे उसको ही डाया आदमी बोलते, मींस वाइज शाना, तो शाना होना है अपने क्या होना है, शानो भव। तो उनकी जो गलतियां हैं कोई पागल नहीं है ना, अपन वाले चाहिए, इस तरह से वो इतना डरा देते हैं, एक बार से कैंसर खाता है, दूसरी ओर से ये चिंता खाया जाती है, तो उसका अचर होता जाता है, और अंग्रेज डॉक्टर्स वो सिर्फ कैंसर पर ध्यान देते हैं, तुम्हारी कीमोथेरेपी करेंगे, तुम्हारी सर्जरी करेंगे, तुमको रेडियोथेरेपी देंगे, कि मेरे को भूख नहीं लग रही है, मेरे को टेंशन है, मेरी बेटी ब्याहनी बाकी है, मेरे मित्र का बंटवारा नहीं हुआ, अभी बीबी को तीर्थ यात्रा पे ले जाना है, उसको तो नहीं सोच, क्यों था क्यों था रेडियो था सच है, ऐसी बात है, उसका हमें फायदा लेना है, और वो फायदा कैसे लेना है वो बताता हूँ, ब्रह्ममोहन करें, ब्रह्ममोहन करने से कैंसर बढ़ेगा, लेकिन पेशेंट का वेट बढ़ेगा, तो पेशेंट खुश हो जाएगा, ये पहला आदमी उसने मेरे बारे में सोचा, मेरा वजन बढ़ा, क्योंकि कैंसर सीधे तो कोई लक्षण पैदा नहीं करता, पेशेंट में से 70% पेशेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं पिछले 6 महीने में मेरा 12 किलो वजन कम हो गया इसलिए मैं आया, फिर चेक करवाया तो अंग्रेज डॉक्टर ने बोला कि यार एक्सरे करा लो उसमें